Ben TK is one of the most famous and creative travel filmmakers on YouTube. इनकी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल के ट्रांजिशंस और एकदम क्रेजी इफेक्ट्स होते हैं एंड आज हम इनकी कंबोडिया वाली वीडियो से ये पेज फ्लिप ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे। सब थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन इग्नोर करके अगर हम सिर्फ क्लिप्स को ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करें तो वी नोटिस कि इनका ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन कम होते जा रहा है। इसी वीडियो को प्रीमियर में लाकर हर नई क्लिप के लिए एक कट लगा दें तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। अब इस वीडियो ट्रैक V1 के लिए अगर ये बटन ऑन नहीं है तो एनेबल कर दो, दिस इज फॉर ट्रैक टारगेटिंग एंड फिर हाइड एंड लॉक इट। ये हमारा रेफरेंस होगा, यानी अपनी क्लिप्स को इसके ऊपर के ट्रैक पे लाकर उनका ड्यूरेशन हम ये नीचे वाली क्लिप्स के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। यार अगर इस पॉइंट तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना तो फटाफट लाइक कर दो ताकि यार आपकी तरह मतलब मुझे भी थोड़ा मजा आए। प्लेहेड को स्टार्ट में लाकर प्रेस M ऑन योर कीबोर्ड, टाइमलाइन में एक मार्कर ऐड हो जाएगा। प्रेस डाउन एरो की, इससे प्लेहेड सीधे नेक्स्ट कट पे जाएगा। प्रेस M अगेन, ये प्रोसेस करते जाओ जब तक सारे कट्स पे मार्कर्स ऐड ना हो जाए। प्लेहेड को ऐसे कट टू कट जंप करवा नहीं, हमने ट्रैक टारगेटिंग ऑन किया था। अब बेसिकली हमने क्लिप्स को इन मार्कर्स पे बिठाना है। सबसे पहले आपने उनको जिस भी ऑर्डर में प्लेस करवाना है उस हिसाब से रीनेम कर दो। अब हो सकता है कि आपकी क्लिप्स इस तरह अलग अलग फ्रेम रेट्स की है, तो फर्स्ट वी नीड टू मैच ऑल ऑफ दीज फ्रेम रेट्स टू अवर सीक्वेंस वाली फ्रेम रेट जो कि 25 FPS है। इन सबको सिलेक्ट करके आई विल राइट क्लिक मॉडिफाई इंटरप्रेट फुटेज एंड फिर यहाँ सेकेंड ऑप्शन में टाइप 25 FPS। परफेक्ट, सारी 25 हो गई है। क्लिप्स को सिलेक्टेड रख के कम डाउन एंड क्लिक ऑन ऑटोमेट टू सीक्वेंस। यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर सिलेक्ट करो, यानी कि प्रोजेक्ट पैनल में जिस तरीके से सॉर्टेड है वैसे प्लेस होगी। मार्कर्स पे प्लेस करनी है तो विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन, चूज ओवरराइट एडिट एंड हिट ओके। देयर यू गो, सारी क्लिप्स ऑटोमेटिकली प्लेस हो गई है इन द सेम ऑर्डर दैट वी वांट। तो हमने सारी क्लिप्स को एक फ्रेम रेट का इसलिए बनाया था बिकॉज अगर कोई वीडियो अलग फ्रेम रेट की है तो फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने पर अच्छे से प्लेसमेंट नहीं होती। लेट्स से आपको किसी क्लिप का टाइमलाइन में यूज किया हुआ पार्ट पसंद नहीं आता एंड लेट्स से कि आपको कोई आगे या पीछे का पार्ट रखना है बिकॉज मे बी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर फ्लो में अच्छे से जा रहा है, तो एक बिगिनर ये करेगा, वो क्लिप को ऊपर के ट्रैक पे ले जाकर एक्सटेंड करेगा, फिर प्लेहेड आगे पीछे घुमाकर जो भी पार्ट पसंद आता है उस हिसाब से वापस ट्रिम करेगा एंड फिर नीचे ले आएगा। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये चीज ना करके प्लेहेड को इसके स्टार्ट में लाकर इधर मेन्यू से पिक द स्लिप टूल, इसके ऊपर ले आओ एंड फिर क्लिक और आगे पीछे ड्रैग करके प्रोग्राम मॉनिटर में देखो। बेसिकली हम पूरी क्लिप में आगे पीछे घूम रहे हैं जस्ट लाइक व्हाट वी डू विद द प्लेहेड, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज इसमें क्लिप का ओवरऑल ड्यूरेशन उतना ही रहता है। ये लेफ्ट और राइट में आपको क्लिप का नया स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखता है। डू द एडजस्टमेंट्स एज पर योर लाइकिंग। वंस यू डू ऑल ऑफ दिस वी आर रेडी टू क्रिएट द ट्रांजिशन। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई ट्रिप या फिर कोई शॉर्ट फिल्म की शूट से वापस घर आ गए, फुटेज ट्रांसफर करी और देखा कि कोई इंपॉर्टेंट शॉट बहुत ही ज्यादा ग्रेनी आ गया है या फिर फोकसिंग में कोई दिक्कत हो गई एंड आपका मेन सब्जेक्ट ही आउट ऑफ फोकस है, या फिर मे बी आप अपना नया प्रोजेक्ट 4K में रिलीज करना चाहते हो लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स या तो 1080p में है या फिर उससे भी कम रेजोल्यूशन में, तो फिलहाल आप ये तीन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हो? मिक्स रेजोल्यूशन वाले केस में हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लोअर रेजोल्यूशन वाली क्लिप की स्केल को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये करने से इंडिविजुअल पिक्सल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ प्लगइन्स की मदद से हम मे बी नॉइस को हटा सकते हैं बट दूसरी दो प्रॉब्लम्स तो फिर भी रहेंगी। इट स्टिल इज इन 1080p एंड इट इज नॉट इवन टैक शार्प, फोकसिंग की दिक्कत तो आई है। तो हिटपॉप वीडियो एनहांसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो AI की मदद से ये तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकता है। इट कैन रिमूव द नॉइस फ्रॉम वीडियोस एंड इफ योर शॉट इज आउट ऑफ फोकस इट कैन इवन ब्रिंग बैक द लॉस्ट डिटेल्स। आई मीन जस्ट लुक एट हर हेयर इन दिस केस। आप इजिली अपनी 720p, 1080p, यहाँ तक कि जो 10 साल पुरानी वीडियोस है जो ऐसे वाले कैमरे पे शूट करी थी उन सबको रियलिस्टिकली 4K और 8K तक अपस्केल कर सकते हो एंड द रिजल्ट्स आर लिटरली माइंड ब्लोइंग। इन तीन चीजों के अलावा दिस सॉफ्टवेयर कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मे बी आप एनिमे के रिलेटेड कोई रील्स या शॉर्ट्स बनाते हो एंड आपको वो अच्छी क्वालिटी में कहीं नहीं मिल रहे, या फिर यू जस्ट वॉन्ट टू वॉच योर फेवरेट कार्टून्स इन 4K, इन दैट केस यू कैन यूज द एनिमेशन मॉडल। इफ यू वॉन्ट टू रिपेयर और एनहांस पोर्ट्रेट वीडियोस आप ये फेस मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फाइनली अगर आपने कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को कलर में देखना है तो यू कैन चूज द 4th one। बाय द वे इनका 3-year एनिवर्सरी सेल चल रहा है एंड दे आर ऑफरिंग द बिगेस्ट डिस्काउंट्स ऑफ द ईयर, तो इसका फायदा जरूर उठाना। सो गो टू द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन, ट्राई इट आउट। बस इतना बता दूं कि कोई भी टाइप के एक्सपोर्ट्स के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। इफेक्ट्स पैनल में आकर सर्च फॉर ट्रांसफॉर्म एंड ड्रॉप दिस ऑन द सेकंड क्लिप। प्लेहेड को इसके स्टार्ट में लाकर ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले इसकी स्केल बढ़ा दो, मेक इट 120 एंड फिर पोजीशन पैरामीटर को
एडजस्ट करो जब तक वो क्लिप प्रोग्राम मॉनिटर की राइट साइड से बाहर ना निकल जाए। अब हमने ये दोनों पैरामीटर्स को एनिमेट करना है, तो इन दोनों की स्टॉपवॉच पे क्लिक करेंगे टू ऐड द की फ्रेम्स एंड फिर राइट एरो की 3 बार प्रेस करो टू मूव 3 फ्रेम्स अहेड इन द टाइमलाइन। फिर पोजीशन पैरामीटर को इस बटन से रीसेट कर दो, इसे एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगी एंड द क्लिप विल बी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्केल के लिए कुछ भी चेंज मत करो, बस एक और 120 वाली की फ्रेम इस बटन से ऐड कर दो। देन 2 फ्रेम्स आगे बढ़कर स्केल पैरामीटर को भी रीसेट कर दो। तो अपनी पूरी इफेक्ट 5 फ्रेम्स की है। पहली 3 फ्रेम्स में क्लिप बाहर से सेंटर पोजीशन में आ रही है एंड फिर आगे की 2 में अंदर घुस रही है। अब इस मोशन को स्मूथ बनाना है, सिलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, राइट क्लिक एंड फिर इसमें से सिलेक्ट बेजियर। फिर नीचे आ जाओ, अनचेक दिस एंड चेंज द शटर एंगल टू 360। इससे मोशन ब्लर ऐड हो जाएगा जिससे ट्रांजिशन और भी अच्छा दिखेगा। अब ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को कॉपी करो, सिलेक्ट ऑल द क्लिप्स एंड कंट्रोल V टू पेस्ट द इफेक्ट्स। जो भी क्लिप्स का ड्यूरेशन 5 फ्रेम से ऊपर है उनके लिए इफेक्ट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई 5 या उससे नीचे है तो उनके लिए वी वोंट बी एनिमेटिंग द स्केल प्रॉपर्टी। इस स्टॉपवॉच पे क्लिक करो टू डिलीट ऑल द की फ्रेम्स एंड चेंज द स्केल बैक टू 100। अगर किसी क्लिप का ड्यूरेशन 3 फ्रेम्स या फिर उससे कम है तो फिर हमें पोजिशन की फ्रेम्स को भी अरेंज करना पड़ेगा। ये इसलिए बिकॉज हमने ट्रांजिशन को क्लिप के खत्म होने से पहले अच्छे से कम्प्लीट करना है। तो अगर कोई क्लिप 3 फ्रेम्स की है तो हम पोजिशन की फ्रेम्स के बीच का डिस्टेंस 2 फ्रेम्स कर देंगे। और स्केल प्रॉपर्टी को इसलिए एनिमेट किया बिकॉज फिर उसे बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाती एंड वो बहुत ज्यादा घटिया दिखेगा। तो आपने ये अपडेटेड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट वो टाइप की सारी क्लिप्स पे वापस से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी अपडेटेड इफेक्ट वापस पेस्ट करने से पहले जो पुरानी इफेक्ट है उसको पहले रिमूव कर देना। इसके बाद हर कट पे साउंड इफेक्ट ऐड करके उसकी स्पीड भी चेंज करते जाओ। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब एक फ्री प्लगइन है जो पूरे इंटरनेट पर बहुत कम वीडियो एडिटर्स को पता है। अगर आप हर प्रोजेक्ट में कुछ गिनी चुनी फाइल्स बार बार यूज करते हो तो हर बार खुद से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो ये प्लगइन वो फाइल्स को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करके रखेगा एंड उसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।